नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से 168 करोड़ का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। भोपाल, इंदौर और अब झाबुआ एक के बाद एक प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह ड्रग्स के कारोबार का सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है और साथ ही कई सवालों का कारण भी। क्या मध्य प्रदेश की हवाओं में नशा घोलने की ये कोई साजिश है या फिर प्रदेश के युवाओं को खोखला करने की कोई चाल है? और इनसे बड़ा सवाल ये कि कौन है इस सफेद जहर के काले कारोबार का अहम किरदार, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में युवाओं को खोखला करने का जखीरा तैयार किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, मंदसौर और अब झाबुआ से भी भारी मात्रा में एमडी ड्रग जब्त किया गया है। राजधानी भोपाल में संचालित हो रही देश की सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद मध्य प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ड्रग माफिया का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में फार्मा फैक्ट्री की आड़ में संचालित हो रही ड्रग्स फैक्ट्री को डीआरडी की टीम ने सील किया है। इस फैक्ट्री से 168 करोड़ रुपए का एमडी जब्त हुआ है। 112 किलो ड्रग फैक्ट्री से जब्त किया गया, जिसमें 36 किलो ड्रग पाउडर था और 76 किलो लिक्विड रूप में था। इस मामले में फैक्ट्री डायरेक्टर सहित चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। झाबुआ से 168 करोड़ की एमडी जब्त होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एमपी पुलिस सो रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप का पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कल जो झाबुआ में हुआ बेहद शर्मनाक है। पहले भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई, फिर कल झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश पूरे देश में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन गया है? कांग्रेस की आपत्ति क्या है? कांग्रेस बौखलाती क्यों है जब ये कार्रवाई होती है? प्रेम सुख पाटीदार कांग्रेस के नेता के साले हैं। दिल्ली में जब तुषार गोयल निकल कर आते हैं तो कांग्रेस के वो सक्रिय सदस्य होते हैं और उस पर कांग्रेसी मौन रहते हैं, और यहाँ पर कार्यवाही पर ना सिर्फ प्रशासन एजेंसियों को धन्यवाद भी नहीं देते हैं अपितु भ्रम भी फैलाते हैं। स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस इस विषय को विवादित करना चाहती है, हमारी एजेंसीज का मनोबल तोड़ना चाहती है और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बचाना चाहती है। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही एमडी ड्रग्स की खेप चिंता का विषय है। राजधानी भोपाल के बाद शहर शहर फैले इस जहर को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस ड्रग्स रैकेट के पीछे आखिर कौन है? इस जहरीले व्यापार के कितने सरगना हैं और कब इस खेल के पीछे छिपे सबसे बड़े खिलाड़ी का पर्दाफाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।